दोस्तों, आपको कभी भी बाधाओं के खत्म होने का इंतजार नहीं करता रहना चाहिए, क्योंकि आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। आप सभी जानते होंगे, तैरने के लिए नदी में कूदना पड़ेगा। नदी किनारे खड़े होकर आप तैरना नहीं सीख सकते। इसके लिए अगर आप बाधाओं को खत्म होने का इंतजार करते रहेंगे, आपका सपना कैसे पूरा होगा? एक सपना आपका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। सपने को हकीकत में बदलने का एक ही, केवल और केवल एक ही रास्ता है। हिम्मत करके उन बाधाओं के सामने खड़े हो जाइए। किसी भी सपने को पूरा करते समय रास्ते के सबसे बड़ी समस्या वे लोग होते हैं, हाँ वे लोग होते हैं जो हमारे सपने से सहमत नहीं हुआ करते। ऐसे लोग आपको हमेशा आपके सामने आपके सपने से भटकाते हैं, आपके सपने से भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आपका सपना पूरा ही नहीं हो सकता। अरे ये तो गलत सपना देख लिया, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये गलत कर गए इसलिए नहीं हुआ, वो नहीं किया इसलिए नहीं हुआ। आपका ऐसे लोगों से ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी 1% भी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोग आपके जीवन में हैं। अपने सपने को अगर आपको पूरा करना है तो आपको आपका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित करना होगा अपने लक्ष्य की ओर। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विपक्षी और बुराई करने वाले लोग हर इंसान के जीवन में होते हैं। चाहे आप APJ अब्दुल कलाम की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी पढ़ लीजिए, सभी सफल व्यक्तियों के पीछे बुराई करने वालों की लंबी तादाद लगी है और उसी लंबी तादाद ने अंततः उनकी तारीफ की है। यह आम बात है कि अगर आप ऐसे लोगों को सुनेंगे तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, शुरुआत कीजिए, अपने सपनों के लिए आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप अपने सपनों के लिए आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सफलता आपके कदम चूम लेगी। आप आगे बढ़ते रहिए, अगर आप हिम्मत करेंगे तो तकदीर आपका साथ देगी। अगर आप लोगों की बात सुनकर डर जाएंगे ना, तो वो लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसीलिए दिखा दो उन लोगों को कि आप उनसे बेहतर हो, कि आप कुछ कर सकते हो, आप जो हो सबसे बेस्ट हो, आप बेहतर हो, आप सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों, आप सब कुछ हो, आपके अंदर ब्रह्मांड के 5 तत्व हैं। उन 5 तत्व की शक्ति को महसूस करो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो और जीत अंततः आपकी होगी, आपकी होगी। आप टॉपर हैं, आप विनर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड की शक्ति रखते हैं। तो अपनी शक्तियों को पहचानो और बन जाओ एक विजेता की तरह, सोचो एक विजेता की तरह, संघर्ष करो, आगे बढ़ो।